एवरीवन, आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल की, यानी कि आर ओ एच के प्रिपरेशन की हम बात करेंगे। हम प्राइमरी अल्कोहल्स को डिस्कस कर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल्स को इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो सबसे पहली बात कि कार्बोनिल कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ ये ग्रुप कंटेन करे, वो आपके क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये क्या है, आपका कार्बोनिल ग्रुप है। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो आपका कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करते हैं, तो इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी ऐसे आपके कंपाउंड्स जिनके अंदर ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कौन कौन से हैं, यानी कि इससे जो हमारे कंपाउंड्स बनते हैं वो हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाँ जी, तो ये है हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एल्डिहाइड क्या है, कीटोन्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड किन्हें बोलते हैं, और आप किन डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हो यहाँ पर। हाँ जी, तो ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। तो जो एल्डिहाइड होता है उसके अंदर जो एक कार्बोनिल ग्रुप है, आपको नजर आ रहा है कि कार्बन के टोटल चार बॉन्ड होते हैं जिसमें से दो उसके ऑक्सीजन के साथ बने हुए हैं और दो इधर आपको ओपन बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, यानी यहाँ पर आपकी हो सकता है कि कार्बन चेन अटैच हो सकता है हाइड्रोजन अटैच हो। तो एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है कि कार्बन के ये जो दो बॉन्ड हैं इनमें से एक तरफ तो कार्बन चेन हो, यानी कि एक तरफ तो हाइड्रोकार्बन अटैच हो और दूसरी तरफ क्या हो, एक सिंगल हाइड्रोजन, यानी कि इसे कह सकते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि आर सी एच ओ। ये हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, अगर हम बात करें कीटोन की, तो कीटोन में जो आपके कार्बोनिल ग्रुप है उसके जो दोनों बॉन्ड हैं दोनों ही तरफ आपकी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, और वो हाइड्रोकार्बन चेन कॉमन भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, यानी कि कुछ इस तरह से है आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो आर आर, यानी सिमिलर भी हो सकते हैं और हो सकता है सिमिलर ना भी हो। तो ये आपका क्या है, कीटोन है। तो हमने देखा एल्डिहाइड्स क्या हैं, कीटोन्स क्या हैं, एल्डिहाइड भी क्या हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करते हैं, ऐसे ही सिमिलरली कीटोन भी कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करते हैं। अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड सेम वही कार्बोनिल ग्रुप होगा इनके पास, और डिफरेंट डिफरेंस कहां आ जाएगा कि जो कार्बन के साथ दो बॉन्ड्स के साथ क्या अटैच है, तो एक तरफ तो हाइड्रोकार्बन अटैच होता है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दूसरी तरफ आपका OH फंक्शनल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है दूसरी तरफ। तो ये आपका क्या बनता है, एसिड, यानी कि ये क्या है, आर सी ओ ओ एच। तो बेसिकली आर सी ओ ओ एच ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपकी क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैं कि जिस तरह से आपके कार्बोनिल ग्रुप में एक तरफ हाइड्रोकार्बन है और दूसरी तरफ OH है, इसकी जगह अगर आपका अल्कोक्सी ग्रुप आ जाए तो ये एस्टर बन जाते हैं। और वहीं पर एक दूसरा एग्जांपल हम डाल सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोकार्बन और दूसरी तरफ हैलोजन आ जाए, ये आ जाएंगे आपके एसाइल हैलाइड की कैटेगरी में। ये क्या होंगे, आपके एसाइल हैलाइड। हाँ जी, तो क्या है आपका, कार्बोनिल कंपाउंड से यानी कि एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से या एस्टर से आपका क्या फॉर्मेशन हो सकता है, अल्कोहल्स का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी
यानी कि इधर से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है, इधर से भी यानी कि एल्डिहाइड से भी आपका क्या बनेगा ROH, सिमिलरली आपका कीटोन से भी ROH यानी कि अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है, सिमिलरली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है और एस्टर से भी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है, और किस तरह से हो सकता है रिडक्शन कराकर, यानी कि आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर्स का जब रिडक्शन कराते हो तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अब पॉइंट ये है कि जब इन सब से अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है तो क्या इनकी रिडक्शन का मेथड सेम रहता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, अलग अलग तरीके यूज किए जाते हैं इनकी रिडक्शन के लिए, तो हम एक एक करके वही पढ़ने वाले हैं कि क्या रहेंगे आपके मेथड्स ऑफ रिडक्शन। अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन्स, तो इसको इन दोनों के लिए सेम मेथड यूज होता है रिडक्शन का, तो इसको हम केस फर्स्ट की तरह स्टडी कर सकते हैं, और बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अलग से और इसके डेरिवेटिव्स के लिए हम अलग से मेथड डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन से। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड है हमारे पास RCHO, और कीटोन की अगर हम बात करें वो है हमारे पास RCOOR। इनसे हम किसकी फॉर्मेशन करते हैं, आपके इनके रिडक्शन से हमारे पास क्या फॉर्म होता है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। कुछ एग्जांपल लेकर के हम देख लेते हैं कि किस तरह से, हाँ जी, इससे ये कन्वर्ट होते हैं आपके अल्कोहल में, यानी कि ROH में कन्वर्ट होते हैं ये। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पहले हम एल्डिहाइड के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ जी, अगर हम दोनों तरफ हाइड्रोजन लें तो ये केस भी हमारे पास क्या है, ये भी एल्डिहाइड है और ये हमारा क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है हमारे पास? फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ जी, ये किसमें कन्वर्ट होगा? अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास? CH2O, ये ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा CH3OH, यानी कि मिथेनॉल की फॉर्मेशन होगी इससे, इससे हमारे पास मिथेनॉल की फॉर्मेशन होगी। हाँ जी, नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं सेम वही आपका, यहाँ पर जब हमने दोनों तरफ हाइड्रोजन लिया है, इस बार एक तरफ हम क्या ले लेते हैं आपका R ग्रुप, यानी CH3HC डबल बॉन्ड O। हाँ जी, RCHO, ये भी हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड का एग्जांपल है। हाँ जी, तो अब इससे जो आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, CH3CH ऑलरेडी है, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा यहाँ पर और OH, यानी यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होगी इथेनॉल की, यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होगी इथेनॉल की। सिमिलरली हमें कीटोन का एग्जांपल लेते हैं, यानी कि दोनों तरफ आपका क्या हो, कार्बोनिल कंपाउंड के दोनों तरफ आपकी क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो, दोनों तरफ हम CH3CH3 ले रहे हैं, तो यहां से हमारे पास फॉर्मेशन होगी। हाँ जी, इस कार्बन पर आपकी हाइड्रोजन की एडिशन होगी, यानी यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी CH3CH3OH। हाँ जी, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, प्रोपेन टू ऑल की फॉर्मेशन हो गई हमारे पास यहां से। हाँ जी, तो ये हमारे पास हमने देखा कि जब हमने एल्डिहाइड लिया, ये फर्स्ट टू केस किसके हैं, एल्डिहाइड के, और ये सेकंड थर्ड केस हमारे पास किस चीज का है, कीटोन का। तो यहां से आप क्लियरली सबसे पहले जो हमें चीज समझनी है वो ये है कि आप जब भी एल्डिहाइड से अल्कोहल की फॉर्मेशन करोगे, जब भी आप एल्डिहाइड से अल्कोहल की फॉर्मेशन करोगे, तो आप दोनों केसेस में देखोगे कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। तो यानी यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि जब भी आप एल्डिहाइड से अल्कोहल की फॉर्मेशन करोगे तो हमेशा इस केस में प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, जैसा कि आपको फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में नजर आ रहा है कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी,
और वहीं पर अगर आप कीटोन से अल्कोहल की फॉर्मेशन करते हो तो कीटोन से आपको ये आपका कार्बन कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है, तो ये अल्कोहल भी कैसा होगा, सेकेंडरी कार्बन किस तरह से है, जिस कार्बन के साथ OH अटैच है वो आगे फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है, दैट मीन्स ये कैसा हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। तो दैट मीन्स यहां से हमने कंक्लूड किया कि आपका एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और आपका कीटोन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, कीटोन जो है वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहां से कंक्लूड कर लिया। इसके बाद हमने कहा था रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन का मेथड क्या रहता है, यानी कि किस तरह से जो आपके एल्डिहाइड्स हैं या कीटोन्स हैं वो कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, आपके अल्कोहल के अंदर। तो रिडक्शन के जो मेथड्स यूज होते हैं वो आप दो या तीन तरीके से रिडक्शन की जा सकती है। एल्डिहाइड कीटोन्स की सिमिलर रहते हैं, एल्डिहाइड के भी मेथड और कीटोन के भी मेथड्स। तो इसके लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो, दैट इज मेटल हाइड्राइड्स का यूज कर सकते हो, दैट मींस ये रिएक्शन आपकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हो सकती है, दैट इज LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिएक्शन। दूसरा आप जो मेटल हाइड्राइड यूज कर सकते हो वो यूज कर सकते हो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो फर्स्ट मेथड ये, या फिर सेकंड मेथड ये, या फिर आप थर्ड मेथड भी यूज कर सकते हो। और वो थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन, यानी कि आप हाइड्रोजिनेशन कर सकते हो, H2 का डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कौन से कैटलिस्ट, आपके फाइन मेटल की प्रेजेंस में, निकल, प्लैटिनियम, पैलेडियम, इनकी प्रेजेंस में आप ये कर सकते हो, यानी आप निकल का यूज करो या प्लैटिनियम का या पैलेडियम का, यानी फाइन मेटल्स की कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन आप कर सकते हो। सेम आपके, चाहे आप फॉर्मेल्डिहाइड का करो या फिर आप कीटोन का करते हो या एल्डिहाइड का करते हो, आपका सिमिलर मेथड रहता है, यानी कि आप LiAlH4 की प्रेजेंस में या फिर NaBH4 की प्रेजेंस में या फिर हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं आप निकल की प्रेजेंस में या प्लैटिनियम या पैलेडियम या किसी भी फाइन मेटल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकती है। तो हमारे पास तीन मेथड हैं, तीनों में से किसी भी मेथड से आपका कन्वर्जन हो सकता है। सेम आपका किसके लिए रहता है, एल्डिहाइड के लिए, और सेम वही किसके लिए रहेगा, आपका कीटोन के लिए। LiAlH4 का यूज कर सकते हो या फिर आप NaBH4 का यूज कर सकते हो या फिर हाइड्रोजिनेशन कर सकते हो आप फाइन मेटल की प्रेजेंस में। हाँ जी, तो ये था आपका, हमने यहाँ पर कंक्लूड की है दो बातें। वो दो बातें क्या हैं, सबसे पहली चीज तो एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट होगा, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए जो आप रिएजेंट यूज करोगे, जो आप इनिशियली अपना रिएक्टेंट यूज करोगे वो हमेशा एल्डिहाइड होगा। तो एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा और जो आपका कीटोन है वो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। दूसरी चीज, जो आप यहाँ पर रिएजेंट यूज करने वाले हो, अब क्या है, ये आपके रिडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि आप रिड्यूसिंग एजेंट कौन से यूज करने वाले हो। तो हमने जो दो बातें कंक्लूड की है यहां से वो लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड कन्वर्ट होगा प्राइमरी अल्कोहल में और जो कीटोन है वो कन्वर्ट होगा सेकेंडरी अल्कोहल में और जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे हमारे वो होंगे मेटल हाइड्राइड्स। और मेटल हाइड्राइड्स में कौन से यूज होंगे, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो LiAlH4 या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजिनेशन कर सकते हो, यानी कि ये कन्वर्जन जो है, ये रिडक्शन जो है किससे हो जाएगा, हाइड्रोजिनेशन से।
और हाइड्रोजनेशन जो आपकी होती है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और यहां पर आप जो यूज कर सकते हो कैटलिस्ट वो आप यूज कर सकते हो फाइन मेटल्स, निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम आप यूज कर सकते हो। हाँ जी, तो ये था आपका कंक्लूजन जो हमने निकाला कि आप एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में, और जो आप रिएजेंट यूज कर सकते हो यानी जिनकी हेल्प से ये कन्वर्जन हो सकती है वो है आपके LiAlH4, NaBH4 या फिर H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनियम और पैलेडियम। अगर हम बात करें, अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। हमने कहा ये कन्वर्जन होता है तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म रहता है, तो अगर हम बात करें मैकेनिज्म की तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए मैकेनिज्म कॉमन रहता है। इसके लिए हम मैकेनिज्म दोनों के लिए एक साथ डिस्कस करेंगे। और जो आपका हाइड्रोजनेशन है इसके लिए आपका सिंपल मेथड रहता है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये आपका फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है और वो आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक के थ्रू होती है ये रिएक्शन। तो एक एक करके मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो मैकेनिज्म में अगर हम बात करें रिडक्शन विद LiAlH4, रिडक्शन विद LiAlH4 दैट मीन्स रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है आपका मेटल हाइड्राइड वो आपका आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स वो आपका मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और AlH4 पर नेगेटिव चार्ज, ये आपका कंपाउंड है। तो अगर आप इसे ध्यान से समझें और आपने देखा होगा AlH3, यानी अगर आपको पता है कि एल्युमिनियम जो है वो तीन बॉन्ड बनाता है, AlH3 एक कंपाउंड होता है जो कि डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Al2H6 AlH3 होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। और जो यहाँ आपको AlH4 नजर आ रहा है वो आपका इस तरह से बना है कि उसने H नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाया, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन्स लिए किससे, आपके हाइड्राइड आयन से। तो इसने बॉन्ड जब बनाया H नेगेटिव के साथ तो इस बॉन्ड के साथ यानी चार बॉन्ड बन गए एल्यूमिनियम के हाइड्रोजन के साथ और एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पहले जो आपका AlH3 है वो एक लुईस एसिड है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है जो कि एच नेगेटिव के साथ जुड़ने के बाद AlH4 नेगेटिव की फॉर्म में आ गया, दैट मीन्स कि इसके पास हाइड्राइड आयन अटैच है। तो यहां पर यही हाइड्राइड आयन किसकी तरह बिहेव करता है, यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो यहां से आपको बस इतना ही समझना है कि इसके पास एच नेगेटिव आयन्स हैं जो किसकी, जो एच नेगेटिव आयन्स हैं जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये यहां से हमें न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है। तो ये तो बात हो गई कि आपका जो रिएजेंट है यानी जिसको आप यूज कर रहे हो और जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम बात करें तो यहां पर जो हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल लेकर के एल्डिहाइड का। NaBH4 सिमिलर है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे किसके साथ, कीटोन के साथ। तो दोनों के हमारे पास मेथड मैकेनिज्म हो जाएंगे। तो यहां से हम एसिटाल्डिहाइड से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि आप लोगे CH3C OH। हाँ जी, ये है हमारे पास एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। तो अब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो होगा कहाँ, वो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक होगा। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हो एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और कार्बोनिल ग्रुप दैट मींस कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन में आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ ज्यादा होगी, ये आपके ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगी, दैट मींस यहां पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो यहां से हमें बहुत ही क्लियरली और सिंपली नजर आ रहा है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी कार्बोनिल कार्बन हमारा यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहां पर जो हमारा LiAlH4 है यानी कि HAl नेगेटिव HHH, यहां से ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर, यानी कि H नेगेटिव जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, जो आपका हाइड्राइड आयन है, वो अटैक करेगा कहां पर, कार्बोनिल कार्बन पर। अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई एक्सेस
ऑलरेडी उसके पास दो लोन पेयर्स होते हैं और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहाँ आ गई है, ऑक्सीजन पर कंप्लीटली आ गई है अब, तो जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एल्यूमिनियम वापस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है क्योंकि AlH4 नेगेटिव बना था तब वो उसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए थे, बट AlH3 क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ही है, दैट मींस ये वापस से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अब क्योंकि ये मेटल होने के बावजूद क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा, दैट मींस हमारे पास यहां से क्लियरली किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, यहां से हम बात कर रहे हैं, हां जी यहां से हुआ क्या, CH3 एज इट इज, सी कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो टूटा, कार्बन के साथ यहां पर हाइड्रोजन एक जुड़ा, एक ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, और ऑक्सीजन के साथ हमारा क्या अटैच हो गया, ऑक्सीजन के साथ हमारा अटैच हो गया AlH3 और इस एल्यूमिनियम पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यानी ये स्पीसीज हमारे पास फॉर्म हो गई। अब इस स्पीसीज में आप देख सकते हो एल्यूमिनियम के पास ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन और हैं जो कि हाइड्राइड आयन की तरह बिहेव कर सकते हैं, क्यों, अभी भी उस पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो आई हुई है ना, यानी कि ये अपनी नॉर्मल स्टेट में तो नहीं है, स्टेबल स्टेट में तो नहीं है, दैट मींस इसके पास अभी भी क्या है, हाइड्राइड आयन्स हैं, जैसे इसके पास यहां पर हाइड्राइड आयन्स थे, सिर्फ क्या हुआ है यहां पर एल्कोक्सी एक ग्रुप अटैच हुआ है, यानी कि आपके पास एल्कोक्सी ट्राई हैलाइड एल्यूमिनियम आयन अभी भी प्रेजेंट है, तो ये एल्यूमिनियम आयन जो है ये अपने हाइड्राइड आयन फर्दर प्रोवाइड कर सकता है एक नए मॉलिक्यूल के एसिटाल्डिहाइड के साथ, यानी एसिटाल्डिहाइड का जो दूसरा मॉलिक्यूल जो हमारे पास होगा जो कि इसको एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां से हाइड्राइड आयन एज न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन वापस से यहाँ अटैच हो जाएगा, यानी कि अब एसिटाल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल नहीं दो मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, यानी जब दो मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच हो जाएंगे तो होगा क्या, CH3CHHO, सिंपली लिख लेते हैं इसको, तो स्पेस हमारा आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास आ गया CH3CH2, हाँ जी यही था CH3CH2O, और ये हमारे पास पहले ऑलरेडी एक कंपाउंड था, इसके आने के बाद ऐसे दो कंपाउंड हो गए और एल्यूमिनियम के पास जो 3 हाइड्रोजन थे उसकी बजाय अब कितने हाइड्रोजन रह गए, 2 हाइड्रोजन रह गए, तो एल्यूमिनियम पर नेगेटिव चार्ज विद H2, यानी यहां से हमारे पास आया है CH2O AlH2 नेगेटिव, हाँ जी एल्यूमिनियम के पास 3 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन उसने वापस हाइड्राइड आयन की तरह यानी वापस न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और वापस हमारे पास क्या हो गया, एक दूसरा एसिटाल्डिहाइड ग्रुप भी यहां पर अटैच हो गया, यानी ऐसे ऐसे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल अटैच हो गए हैं, यानी कि अब आपके पास 2 एल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो गए हैं एल्यूमिनियम के साथ और अभी भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है एल्यूमिनियम के साथ, तो जिस तरह से दूसरा मॉलिक्यूल अटैच हुआ है वैसे ही एसिटाल्डिहाइड का तीसरा मॉलिक्यूल भी आ सकता है, वैसे ही एसिटाल्डिहाइड का चौथा मॉलिक्यूल भी आ सकता है, यानी कि एल्यूमिनियम के चारों हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम हो जाए इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन और चारों ही पोजीशन पर क्या आ जाए आपके पास एल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो जाए, तो ये आपका जो है ये एल्कोक्सी ग्रुप इन चारों पोजीशन पर आ जाएगा, यानी कि यहां पर ऐसे ऐसे 3 मॉलिक्यूल और कंज्यूम हो सकते हैं, यानी टोटल एसिटाल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए, 4, और यहां पर हाइड्रोजन जो है वो चारों के चारों निकल जाते हैं और यहां पर 4 एल्कोक्सी ग्रुप अटैच हो जाते हैं, तो ये रहता है मैकेनिज्म किसका आपका, ये आपका मैकेनिज्म रहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन का, और इसके बाद फर्दर क्या होगा, फर्दर इसका सिंपल जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा, हाइड्रोलिसिस में यहां पर CH3CH2OH यहां पर अटैच हो जाएगा और एल्यूमिनियम जो है वो OH के साथ अटैच होकर के यानी AlOH थ्री फॉर्म में बहार निकल जाएगा और आपके पास 4 मॉलिक्यूल आ जाएंगे यहां पर किसके, इथेनॉल के, तो ये था कन्वर्जन आपका एसिटाल्डिहाइड टू इथेनॉल।
हमारा कन्वर्जन और ये था हमारा मैकेनिज्म। और सिमिलर मेथड, सिमिलर मैकेनिज्म किसके लिए रहता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए रहता है। एक बार देख लेते हैं उसको भी। जी तो हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो मैकेनिज्म देखा है, सिमिलर मैकेनिज्म किसके साथ रहता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। हम फिर भी थोड़ा सा एक बार आइडिया ले लेते हैं कि रहता क्या है। सोडियम बोरोहाइड्राइड की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर इस बार हम एग्जांपल कीटोन का लेंगे और यहाँ पर हम एसीटोन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, यानी एसीटोन के साथ का रिडक्शन करा रहे हैं हम। तो हाँ जी, तो होगा क्या, आपके पास क्या है? NaBH4 मेटल हाइड्राइड है जो कि आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Na पॉजिटिव एंड BH4 नेगेटिव। एज सिमिलर टू AlH4 नेगेटिव, यहाँ पर भी क्या होता है, BH3 आपका कंपाउंड होता है जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, एक ल्यूस एसिड की तरह बिहेव करता है और ये H नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाता है, यानी H नेगेटिव को हाइड्राइड आयन को अपने साथ अटैच करता है जिसकी वजह से ये BH4 नेगेटिव बनाता है। दैट मीन्स इसके पास भी क्या है, H नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। That means यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पर जो आपका हाइड्राइड आयन है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यही न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आपके कार्बोनिल कार्बन के, यानी जो आपका कीटोन है उसके कार्बोनिल कार्बन के कार्बन पर अटैक करेगा। यहाँ पर हाइड्राइड आयन न्यूक्लियोफाइल है और कार्बोनिल कार्बन आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। और जब ये अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ऑक्सीजन पर, यानी ऑक्सीजन पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये किसके साथ जाकर के अटैच हो जाएगा, आपका बोरोन के साथ, क्योंकि बोरोन BH3 बन गया है वापस से। जब इसके अंदर से H नेगेटिव निकल गया तो ये वापस क्या बन गया, BH3, यानी वापस से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, यानी कि ये जो है वो एल्कॉक्सी ग्रुप को अपने साथ अटैच करेगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा एल्कॉक्सी ट्राई हाइड्रो बोरोन आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास, यानी आपके पास आया CH3, यानी CH3 ट्वाइस ऑक्सीजन, सॉरी CH3CH3CHO, ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी CH3CH3CHO, CH3CH3 ट्वाइस और कार्बन के साथ ये दोनों अटैच हैं। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन अटैच हुआ है तो CHO, और ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है, BH3 के साथ अटैच है, तो यानी यहाँ पर ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो जाएगा, BH3 के साथ अटैच हो जाएगा, जैसा आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में हुआ था। आगे फर्दर आपके एसीटोन के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी भी इसके पास न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये हमारा, इस पर वापस से अटैक करेगा, यानी ये हाइड्राइड अटैक करेगा यहाँ पर और ये ऑक्सीजन जाकर के किसके साथ अटैच हो जाएगा, बोरोन के साथ। तो यहाँ पर जो BH3 था वो वापस कितने रह जाएंगे, BH2 और CH3 2, यानी एल्कॉक्सी ग्रुप के यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे। जैसे इसके दो मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं वैसे ही, क्योंकि अभी भी कितने हाइड्रोजन बाकी हैं, दो, तो एसीटोन के दो और मॉलिक्यूल आ सकते हैं, यानी कि ऐसा टोटल तीन मॉलिक्यूल्स के साथ हो सकता है। एक की तो हमने अभी बात की और दो अभी जो हाइड्रोजन बचे थे उनके साथ हो जाएगा। दैट मीन्स ये दो हाइड्रोजन भी एल्कॉक्सी ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पर टोटल कितने एल्कॉक्सी ग्रुप अटैच हो जाएंगे, चार एल्कॉक्सी ग्रुप अटैच हो जाएंगे। एक और चीज जो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी याद रखनी है और यहाँ पर भी, क्या होता है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो क्या है, वो वाटर के साथ रेडली रिएक्ट कर जाता है, बहुत वायलेंटली रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए ये जो रिएक्शन होती है वो अनहाइड्रस कंडीशन में होती है, ईथर की या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है और एट द एंड इस रिएक्शन में आपकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है। तो ये सब होने के बाद क्या कराई जाएगी, इस रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी, अदरवाइज ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो अनहाइड्रस कंडीशन में होगी और इसके बाद एट द एंड इसकी क्या कराई जाएगी, हाइड्रोलिसिस कराई जाएगी। तो हमारे पास CH3CH3CHOH ये आ जाएगा हमारे पास एंड प्रोडक्ट। तो हमारे पास यहाँ पर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि क्या है, हमारे पास एक सेकेंडरी एल्कोहल है, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो आपका कीटोन है वो सेकेंडरी एल्कोहल की फॉर्मेशन करता है। तो ये आपका किसका मैकेनिज्म है, रिडक्शन विद NaBH4, यही रिडक्शन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड।